कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में समापन है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं और 13 संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित किया। आज से करीब 5 महीने पहले शुरू हुई इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा को लेकर अब कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़ा ऐलान किया है। वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस साल फिर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो लगभग पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। ये अभियान 3 महीने चलेगा। इस अभियान में पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर तक यात्रा की सफलता और देश की राजनीतिक स्थिति का संदेश पहुंचाएंगे। इस अभियान के बाद निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण होगा। वेणुगोपाल ने कहा, अभी हम ये तय करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन कैसे हो। अभी पार्टी की ओर से फाइनल डिजाइन तो नहीं आया, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। पार्टी में कई तरह के विचार हैं। पूरे साल कांग्रेस मैदान में रहेगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रैली निकाली। शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से शुरू हुई रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस रैली के साथ ही करीब 5 महीनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। ये पदयात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई। इससे पहले राहुल गांधी ने पंथा चौक में भारत जोड़ो यात्रा के शिविर स्थल पर राष्ट्र ध्वज फहराया। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है कि इस यात्रा के जरिए ही अपने सियासी समीकरण को सेट किया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ फैलाए गए मिथकों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। और इसी वजह से अब वेणुगोपाल ने कह दिया कि एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की योजना पर काम हो रहा है। हालांकि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस कितना राजनीतिक लाभ ले पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए रखना चाहती है। लेकिन फिलहाल केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यात्रा कब निकाली जाएगी और इस यात्रा का असली मकसद क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में कांग्रेस पूरे जोर शोर से काम कर रही है और कांग्रेस को इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इन यात्राओं के जरिए पार्टी के लिए वोट के साथ साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह ला पाएगी। लेकिन सारी यात्राओं का परिणाम सिर्फ जनता के हाथ में है कि वो राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित होती है या नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।